जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। सरकार ने 18 अक्टूबर मतलब कल जो 2021 का एडहॉक बोनस है उसका सर्कुलर जारी कर दिया है। तो जो एम्प्लॉई ग्रुप सी और ग्रुप बी में नॉन गेजेटेड हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है और इस बार कितना बोनस आपको दिया जाएगा। और एक और चीज़, सरकार ने जुलाई 2021 से हमारा जो डीए है उसको 28% कर दिया है। अब जो जनवरी से लेकर जुलाई तक का अगर हम एक्सपेक्टेड एआई सीपीआई इंडेक्स देखें तो करीब करीब 3% और बढ़ेगा, तो प्लस 3% अगर हम करते हैं तो टोटल 31% हो जाएगा। तो टोटल 31% का अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं किया है, वो कब तक आएगा आइए देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, कोई भी अपडेट आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो देखिएगा जरा, आप सभी लोगों के लिए इन्होंने बोला है कि 2021 जो है उस FY का ये आपका ऑर्डर है, ठीक है, वही है जो पिछला था उसको ये इन्होंने कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी है कि द बेनिफिट विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, केवल उन एम्प्लॉय को जिन्होंने 31 मार्च 2021 तक अपने कम से कम 6 महीने पूरे कर लिए हैं 2021 FY में, उनको ये मिलेगा, वो एलिजिबल हैं। और यहाँ पे लिखा है द क्वांटम ऑफ नॉन PLB एडहॉक बोनस विल बी वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एमोलमेंट्स। तो इन्होंने ये कैलकुलेशन दिया है कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये है आपका फाइनल, जो कि पिछले FY से जो हमें मिला था वही सेम है, 6908 रुपीज़ जो है राउंड ऑफ सभी को मिलने वाला है। जो लोग ग्रुप सी में हैं और ग्रुप बी में हैं नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए, ठीक है, मतलब 1800 से लेके 4600 पोस्ट तक। अब यहाँ पे ये इन्होंने और कैलकुलेशन दी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, आपकी एलिजिबिलिटी किसकी है, एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए यहाँ पे 31 मार्च तक 6 महीने पूरे किए हों जो भी नए एम्प्लॉय हैं उनके लिए, और टेम्पररी बेसिस पर हैं तो उनको बोला है कि उनका सर्विस ब्रेक नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज हु रिजाइंड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस और एक्सपायर्ड बिफोर 31 मार्च, तो यहाँ पे ये बोला है कि जिनका रिटायरमेंट 31 मार्च से हो गया है, एज ए स्पेशल केस ओनली दोज पर्सन हु सुपर एन्यूटेड और रिटायर्ड ऑन इनवैलिडेशन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स और डाइड बिफोर, इनको ये दिया जाएगा, ठीक है, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ रेगुलर सर्विस, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं, और भी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, डेपुटेशन वालों को भी है, ठीक है, और यहाँ पे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अब गाइज